शासकीय काम में रुकावट, अवैध तरीके से पैसों की मांग करने पर कैंट पुलिस पंचायत वेब पोर्टल संपादक संजय गौड़ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल लंबे समय से मीडिया की आड़ में संजय गौड़ कुछ लोगों से अवैध रूप से पैसे वसूल रहे थे। कनावटी के सरपंच की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी संजय गौड़ के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसएस गणेश ने बताया कि कनावटी ग्राम सरपंच सचिव ने कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार कैंट पुलिस ने पंचायत संपादक संजय गौड़ के खिलाफ शासकीय कामों में रुकावट, अवैध तरीके से पैसों की मांग की जाने को लेकर अपराध पंजीबद्ध किया है। बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन के कार्य को लेकर संजय गौड़ ने पंचायत के सरपंच और सचिव पर किसी कार्य को लेकर दबाव बनाया था और पैसों की मांग की जा रही थी। फिलहाल संजय गौड़ अभी पुलिस की गिरफ्त के बाहर है, जिसकी तलाश की जा रही है। हाँ, इसमें एक जो कानावटी के सरपंच और सचिव ने लिखित में आवेदन दिया था, शिकायत की कि उनके टीकाकरण के दौरान जो है एक व्यक्ति द्वारा जो है जबरन टीका लगवाने और रुपये की मांग करने के उनको जान से मारने की धमकी दे दी गई और पैसे मांगने मांग की गई। उस पर से शिकायत पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है।